अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। सोनाली फोगाट का शगल है सुर्खियों में बने रहने का। टिकटॉक पर वीडियो बनाकर कुछ ही दिनों में टिकटॉक स्टार बनी सोनाली फोगाट का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह हिसार के बाल संबंध में मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ व चप्पल से पीटती नजर आ रही हैं। वह गालियां भी निकाल रही हैं। टिकटॉक स्टार से भाजपा नेत्री बनी सोनाली का कहना है कि सचिव सुल्तान ने उन्हें अपशब्द बोले थे, जबकि सचिव ने सभी आरोपों को झुठलाते हुए सोनाली के खिलाफ मारपीट व सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। गंभीर बात यह भी है कि इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। सोशल मीडिया पर सोनाली के खिलाफ जमकर बोला जा रहा है। दरअसल हिसार के बाल संबंध में पिछले दिनों गेहूं और सरसों खरीद के लिए एक अस्थायी मंडी बनाई गई थी। यहां अब शेड बनाने की बात चल रही थी। कमेटी के पास इसके लिए बजट भी है। शुक्रवार को कमेटी सचिव सुल्तान सिंह व अन्य कर्मचारी, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे। यहां सोनाली ने सचिव को थप्पड़ व चप्पल से जमकर पीटा। इस मारपीट व घटना के दो वीडियो तुरंत ही वायरल भी हो गए। सचिव खुद को किसी तरह बचाते व सोनाली को उसे अपशब्द कहते हुए पीटते हुए इनमें देखा जा सकता है। भाजपा नेत्री वहां किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर की तरह बिहेव करती नजर आ रही है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सोनाली की जमकर खिंचाई हो रही है, साथ ही भाजपा की भी। आइए देखते हैं पहले वे दोनों वीडियो। एक शब्द नहीं लिखता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात है। हमारे घर की समान है। मैं तो सर आपके आपके घर में माँ बहनी है, आपके घर में मैं मिला ही आपसे। बोले जा रहे मैडम भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, रिश्तेदार भी है। मैं तो अभी आपके घर में आप उसी घर में काम नोट कर रहा हूँ। सर जो भी काम सर जो भी काम किए मैं नोट कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने ये शब्द बोले मुझे जवाब? मैंने कुछ आपने जो काम कहा वो नोट किया। आपसे कहीं माफी है क्या? मैंने कहा जी मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर दिया। छोटो काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बच्चा मजाक अपनी बात बोलना किसने सिखाया? मैं बोला ही नहीं, मैं बोला नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला जी। मैं बहन जी आज उठ रहा हूँ। जो भी कौन बोला था? शेड कह रहे हैं, शेड बनाएंगे नोट कर ली मेरे जी। शेड की बात ही नहीं है भाई। आप शेड बनाओ, सरकारी खाते से बनेगा वो तो बनेगा। आप जो भी कहा इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी मान सम्मान तो दे। बुलाओ उसको एक बार, थाना इंचार्ज को बुलाओ। ये आपके चलते माले को डालना सारा सिस्टम माले सर। मैंने कोई घोटाला किया नहीं सर किसी का। तो ये सरसों की खरीद सर ऊपर से बंद है ये जीजा फिर नहीं फिर तेरी बोल नहीं पा सके सर। सर नहीं बता पहले तेरी बोल नहीं पा सके सर। मेरी बात की शर्म आई थोड़ी नहीं सर। सर जो देखा तेरी बहन ने कुछ ना ऐसे जवाब। आप लोग जाओ सारे सारे चले जाओ। अरे सारे चले जाओ इतनी देर। अरे फिर कौन जा रहा है? मैं तो जो काम का नोट कर लिया, जो भी काम का है बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैं शेड बनाने के नोट कर लिया। मैं सेक्टर में मार्केट रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ जो भी काम का मेरे सारा काम सर सेट बनाने के लिए काम मेरे सेट बन जाएगा जी। जो भी मैं इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी। रिपोर्ट लिखो नहीं मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे? सोनाली का कहना है कि सचिव ने उनसे कहा कि एक कमलेश डांडा है, एक कृष्णा गहलावत है और एक आप हैं। आपको घर पर रहना चाहिए, सारा दिन धूप में घूमते हो,
इतनी सुंदर सुंदर औरतें हैं, आपको घर पर रहना चाहिए। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह का कहना है कि सबके बीच से सोनाली उन्हें एक तरफ ले गई। वे बात करते जा ही रहे थे कि एकाएक ही सोनाली ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सुल्तान का आरोप है कि सोनाली को शक है कि बीते विधानसभा चुनाव में उसने सोनाली के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, इसके चलते यह खुन्नस निकाली गई। बता दें कि टिकटॉक स्टार के रूप में सोनाली की प्रसिद्धि देखते हुए भाजपा ने उन्हें पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ हरियाणा की आदमपुर सीट से उतारा था, लेकिन वह हार गई थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर राज्य की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरकत में आ गए और उन्होंने जिले के अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना से खुद को बचाएं। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।